हेलो एवरी वन वेलकम टू द रिकमेंडेड वर्स नॉट रिकमेंडेड सीरीज ऑफ एस एस बी विंग्स माई सेल्फ राजीव सिंह रघुवंशी आई टेकर आज हम बात करेंगे एक पिक्चर है पीछे मेरे और दो तरीके के रिस्पॉन्स आ रखे हैं उसके बारे में अगर आप पिक्चर को देखोगे इन दिस पिक्चर देर इज अ चाइल्ड उसके सामने एक गिटार या वायलिन टाइप का कुछ है जो कि रखा हुआ है टेबल पे और ये बच्चा कुछ सोच रहा है तो इस पिक्चर के ऊपर दो तरीके के रिस्पॉन्स आए थे रेस्पॉन्सेज काफी सारे आए थे बेसिकली बट दो तरीके के रेस्पॉन्स पिक करे गए हैं इंटेंशनली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके के रिस्पॉन्सेज सही रहते हैं और किस तरीके के रिस्पॉन्सेज हमें अवॉइड करने चाहिए सबसे पहले हम ये वाली स्टोरी पढ़ते हैं इस स्टोरी में लिखा है नमित अ सिक्सटीन ईयर ओल्ड बॉय हु हैज बीन लिविंग इन ए जिवेनाइल जस्टिस होम फॉर टू ईयर्स फॉर एक्सीडेंटली किलिंग हिस्स एल्कोहलिक फादर ये स्टोरी की स्टार्टिंग है अब इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है तुम्हें घर के हालत ठीक है नहीं अल्कोहलिक फादर मतलब घर में जो बॉन्डिंग है घर के जो हालात हैं, वो सही नहीं है जिसकी वजह से क्लियरली दिख रहा है कि ये बच्चा मेंटली डिस्टर्बड है आगे पढ़ते सिंस देन हिज लाइफ हैज चेंज कंप्लीटली तो यार लाइफ को चेंज करने के लिए पापा को मारने की क्या जरूरत थी मतलब लॉजिकल बात पूछ रहा हूं मैं ठीक है तो हम क्या करते हैं हम जब लिखते हैं स्टोरीज स्टोरीज को लिखते हुए बहुत ज्यादा ग्रेविटी डालने की कोशिश करते हैं कि भारी भरकम बनाए स्टोरी को क्योंकि जब तक भारी भरकम नहीं होगी जब तक तड़का नहीं लगेगा तब तक मजा नहीं आएगा तो हम इंडियंस की खासियत है बेसिकली राइट right? वो चाइनीज फूड में भी वो फ्राई करके तड़का मार देना तो यहां पे स्टोरीज में भी हम तड़का मार रहे हैं ताकि थोड़ा सा मजेदार लगे मसालेदार लगे चीज आगे पढ़ते हैं हिज लव फॉर प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स

अब इस बंदे को अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शौक है अगर तुम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ही लेके आना चाह रहे हो पिक्चर में तो फिर इतनी बड़ी गाथा सुनाने की क्या जरूरत थी इतनी सारी फालतू की स्टोरी बनाने की क्या जरूरत थी जिसमें कि उस बंदे ने अपने पापा को प्यारा कर दिया ठीक है आगे चलते वन डे अम्पिटिशन टू शो द टैलेंट ऑफ दिस प्रिजनर्स इज ऑर्गेनाइज इन द होम अच्छा ठीक है एस नमित लिव्स कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है एंड द रिग्रेट्स इन योर लाइफ विल ऑलवेज इफेक्ट योर प्रेजेंट अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं बहुत सारी तकलीफें चल रही है जो तुम अभी भी लेके बैठे हुए हो उससे गो लेट गो नहीं कर पा रहे हो उस चीज को तो वो चीज कहीं ना कहीं पे तुम्हें बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी आज जो तुम जी रहे हो उसमें और ये स्टोरी में क्लियरली दिख रहा है ही कम्स इन द हॉल फॉर द डेकोरेशन एंड वर्क क्वाइटली वर्क क्वाइटली मतलब एक इंट्रोवर्ट नेचर भी यहां पे इसका दिख रहा है कि लोगों से बात नहीं कर रहा है अपने में रह रहा है और एक चीज समझो यार फौज के लिए अगर तुम जा रहे हो तो फौज में दू फॉरन ऑफिसर ऑफिसर विल बी इंटरेक्टिंग विद मैनी पीपल और उसको सबके साथ मिलके काम करना पड़ेगा उसको सबको कमांड करना पड़ेगा सबको अपनी बातें सुनानी पड़ेंगी तो इंट्रोवर्ट पर्सन कैन नॉट डू दैट तो ये चीज दिमाग में डाल के रखना सडनली ही सीज अ गिटार ऑन द टेबल फर्स्ट ही थिंग्स डेज एंड ट्रोमाज मैंने बोला था ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पीता है तो आज जो प्रेजेंट में ये जी रहा है कुछ और काम करने आया था ट्रोमाज याद आ गए सारे कुछ अगर लाइफ में रिग्रेट्स हों तो फिर इसी तरीके से याद आएंगे बट आफ्टर अ वाइल ऑल हिज फियर्स ट्रोमा चेंज इन टू द एक्ट वेन ही टेक्स द गिटार इन हिज हैंड्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिस नेक्स्ट डे ही परफॉर्म्स वेल विद द स्माइल नो वन हैज सीन हिम दिस मच हैप्पी इन दीज टू ईयर्स तुमने एक गिटार के कंपटीशन के लिए उसके पापा को प्यारा कर दिया ठीक है उसके जितने भी सैड पार्ट्स थे जितने भी एक नेगेटिव एनर्जीज थी वो सारी दिखा दिए एक साथ निकाल के ये भी बता दिया है कि वो इंट्रोवर्ट है तो इस तरीके की स्टोरीज नहीं चल पाएंगी अवॉइड करो इस तरीके की स्टोरीज को अगर मैं बात करूं एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की रिस्पॉन्स की गोकुल 12 years old, was इंटरेस्टेड इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग his vacation, ही learned म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड was वेरी फॉन्ड ऑफ गिटार अब स्टोरी की स्टार्टिंग इट्स अ गुड स्टार्टिंग कि भाई उसके वैकेशंस चल रहे थे या फिर वैकेशन शुरू हो गए हैं तो वैकेशन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे वगैरह होते हैं कुछ नई चीजें सीखते हैं कुछ नई चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट या वो प्रोडक्टिविटी दिखाई गई है उसके बाद में हिज टीचर टॉट हिम ऑल द बेसिक्स एंड ही फॉलो द गाइडलाइन एंड स्लोली बट स्टडीली लर्न सेवरल न्यू नोट्स ठीक है एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल टू प्रैक्टिस ही अलॉन्ग विदीचर मिक्सड सेवरल मेलेडियस सॉन्ग्स एंड गोकुल वॉज वेल प्रिपेयर ऑन द डे ऑफ हिस्स परफॉर्मेंस ही सेट अलोन रिलैक्स हिज माइंड डिट प्रैक्टिस One last time went on to the stage and performed well. Everyone loved his performance and applauded for him. Gokul was happy and he continued to improve his skills along with his studies. Up clearly जब उसको musical instrument बजाना था कहाँ पे बजाना था उसने properly बताया यहाँ पे उसके बाद एक हमेशा improve करने की लालसा या फिर keen to learn वाला attitude दिखाया. तो इट्स ए गुड स्टोरी बेसिकली इसमें और बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं और अच्छी बन सकती है बट दिस टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेज आर एक्सेप्टेड इस तरीके के रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है और इस तरीके के रेस्पॉन्सेज से एक अच्छी ओ की लिस्ट निकल के आती है कभी भी जब तक पिक्चर में क्लियरली विजिबल ना हो कि कुछ बुरा हो रहा है क्लियरली विजिबल ना हो कि कोई किसी को मार रहा है जब तक क्लियरली विजिबल ना हो कि घर में आग लगी हुई है तब तक आग मत लगाओ किसी को मत मारो हमेशा इस माइंडसेट से जाओ कि वेन एवर यू आर सींग अ पिक्चर देर इज समथिंग गुड गोइंग ऑन इन द पिक्चर एंड यू हैव टू मेक इट बेटर कुछ अच्छा चल रहा है और उसको और अच्छा बनाना है हमेशा डोंट ट्राई टू सीक फॉर प्रॉब्लम्स इन द पिक्चर्स और अगर हमेशा पिक्चर्स में प्रॉब्लम्स को देखते रहोगे और प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करते रहोगे तो इट विल इंपैक्ट यू बैडली और उसका रिस्पॉन्स हम यहां पर देख सकते हैं सच टाइप ऑफ स्टोरीज विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग ऑनली दिस मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे विद सम अदर रिस्पॉन्स और किस तरीके के रिस्पॉन्स तुम्हें लिखने चाहिए और किस तरीके के अवॉइड करने चाहिए हेलो अभिमान इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द जीपी सोल्यूशन इन अ मोस्ट प्रैक्टिकल वे और आज की वीडियो का टॉपिक है